प्रिय विद्यार्थियों, पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण परमार आज आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में आने वाले मैथ के पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम रहेगा लाभ हानि। लाभ हानि देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका प्रश्न हमेशा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रहता है। सामान्य मैं जीरो लेवल से बता रहा हूं। देखिए कि लाभ क्या होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर जो मिलता है वो हमें लाभ कहलाता है। दूसरा हानि। हानि क्या होता है। क्रय मूल्य में से माइनस करना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर जो हमें मिलता है वो हानि कहलाती है। ये लाभ और हानि जो सामान्य है हमें सभी को पता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। दूसरा होता है हानि प्रतिशत। कैसे ज्ञात करते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों को हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। इसका देखिए प्रश्न कैसे आता है। क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपए की घड़ी को 2200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है। देखिएगा, 2000 रुपए की घड़ी को 2200 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या मिलेगा। तो देखिए 2000 यहां क्या है, क्रय मूल्य, और 2200 यहां क्या है, विक्रय मूल्य। देखिएगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें लाभ होगा। लाभ कितना होगा, यहां पर लाभ होगा 2200 में से 2000 रुपए हम घटा देंगे तो 200 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य 2000 इंटू 100। देखिएगा ये 20 से 20 और ये 20 कट जाएगा 10 से, अर्थात 10% का लाभ हुआ। विशेष बात याद रखिए कि विक्रय मूल्य अधिक था तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो हमें लाभ मिल गया 200 रुपए। अब हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है तो लाभ प्रतिशत, लाभ ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे, इंटू 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के, किसी वस्तु को 810 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 5% का लाभ हो जाए। देखिएगा किसी वस्तु को 810 रुपए में बेचने पर हमें 10% की हानि होती है तो हम उस वस्तु को कितने में बेचें कि हमें 5% का लाभ हो जाए।
तो देखिए ये भी विक्रय मूल्य दे रखा है 810 रुपये। अब वापस कह रहा है कितने में बेचें, अर्थात दूसरा विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ये विशेष फॉर्मूला याद रखना, 100 प्लस माइनस लाभ कमाना या हानि कमाना बट्टा 100 प्लस माइनस दिया गया लाभ या दी गई हानि। जो भी हमें ज्ञात करना है वो हमें ऊपर लिखना है। लाभ कमाना है तो प्लस करके लिखना है, हानि कमाना है तो माइनस करके लिखना है। यदि प्रश्न में दिया गया लाभ दिया हुआ है तो प्लस करके लिखोगे और हानि दी गई है तो माइनस करके लिखोगे। अब देखिए इस प्रश्न में हमारे कैसे बनेगा कि 100 हमें कितना लाभ कमाना है, 5% तो प्लस 5। नीचे देखिएगा 100, अब इस प्रश्न में क्या दे रखी है, हानि, तो माइनस 10। इसके गुणा में रहेगा प्रथम विक्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य। अब ये फॉर्मेट फॉर्मूला रहेगा, विशेष फॉर्मूला है याद रखिएगा, अर्थात प्रथम विक्रय मूल्य यहाँ कितना दे रखा है, 810 रुपये। अब हमें इसको काटना है तो कैसे काटेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 105 बट्टा 90 इंटू 810। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 9 बार। अब इसको गुणा कर देंगे, 9 × 5 = 45, 945 रुपये के अंदर कि उस वस्तु को हम कितने में बेचें कि हमें 5% का लाभ हो जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा दूसरा 945 रुपये। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिएगा लाभ हानि का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिएगा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा। वो फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करिए। ध्यान रखिए, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ और हानि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या है यहाँ पर। यदि ये अधिक है, क्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या अधिक है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम है तो इस कंडीशन के अंदर हमें लाभ होगा। और यदि क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक है तो इस कंडीशन के अंदर हमें हानि होगी। देखिएगा दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि यदि क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक हो और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम हो तो हमें लाभ होगा, और यदि
क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम हो और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक हो उस कंडीशन में हानि होगी। तो प्रश्न देखते ही हमें मालूम हो जाएगा कि इस प्रश्न में क्या होगा, लाभ होगा हानि होगी। अब लाभ होगा तो लाभ निकालने के लिए विशेष फॉर्मूला रहेगा ए माइनस बी बट्टा बी इंटू सो। हानि के लिए बी माइनस ए बट्टा बी इंटू सो। देखिएगा इस सूत्र के अंदर दोनों कंडीशन में नीचे बी लिखा गया, अर्थात दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या लिखनी होगी। विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या, दोनों कंडीशन के अंदर नीचे हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी। अब अपने प्रश्न को देखते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिए क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20 है, और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कितनी है, 25 है। तो ये अधिक है, विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक है, क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम है। तो क्या होगा, देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक है, क्रय मूल्य की वस्तुओं कम है, तो हमें हानि होगी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें हानि होगी। हानि कितने प्रतिशत की होगी, इसको निकालने के लिए बी माइनस ए विक्रय मूल्य की वस्तुएं 25 माइनस ए का मतलब क्रय मूल्य की वस्तुएं 20 और बट्टा में हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या ही रहेगी अर्थात 25 रहेगी। तो क्या होगा, 5/25 इंटू 100 ये कट जाएगा 4 बार और कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई। देखिएगा फिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि किस किस कंडीशन में होती है, देखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इसके रिलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी के रिलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एसएम इसी उदाहरण का एग्जाम्पल है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो इस कंडीशन में लाभ या हानि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य इस बार पहले विक्रय मूल्य लिख दिया और बाद में क्रय मूल्य लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या देखनी है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या देखनी है। तो क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या 13 है अर्थात अधिक है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या 10 है अर्थात कम है। विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम है, क्रय मूल्य की अधिक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना होगा, अब लाभ निकालने के लिए लाभ प्रतिशत 13 - 10 और नीचे बट्टा में कौन आएगा, हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या यहाँ कितनी है, 10 इंटू 100 अर्थात ये हो जाएगा 3/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 30%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। आप इस क्वेश्चनों को बेसिक से बेसिक बताए गए पाइप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।